नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनबॉक्सिंग लाज। मेरा नाम है गिरिराज। यूजुअली हम सब जब फ्रिज लेने जाते हैं तो इतने कलर ऑप्शन हो गए कि हम कन्फ्यूज जाते हैं एग्जैक्टली कौन सा कलर लेना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या करना चाहिए। ये बड़े काम की चीज़ है क्योंकि फ्रिज तो एक बार लिया जाता है बट मेंटेनेंस हमेशा मांगता है। मेरा एक पर्सनल चॉइस है, अगर आप कभी भी फ्रिज ले रहे हैं तो कोशिश करें कि आप स्टेनलेस स्टील या आप स्टील शीट कलर का कोई भी फ्रिज लें। पहली बात है वो एक स्क्रैच प्रूफ होता है, दूसरी बात क्या है उसमें मेंटेनेंस कुछ नहीं है, आपको क्लीन की ज़्यादा झंझट नहीं है, शाइन की नहीं है। यूजुअली जैसे कोई शाइनी फ्रिज होता है तो आप देखेंगे उसको हमेशा क्लीन, उसमें भाई आपके हाथ के मार्क हो गए। अब हम किचन में हैं तो डेफिनेटली हमारे हाथ में कई बार कुछ ना कुछ हो गए और उसका हाथ जैसे टच होगा उसका लुक ऑलरेडी ख़राब होने लग जाएगा। फ्रिज ऐसा लें जो आपको भी आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़े और वो सदा बाहर रहे। कल की डेट में अगर आप फ्रिज का बैक का भी कलर चेंज करते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल वॉल का कलर या उसकी पोजिशनिंग भी चेंज करते हैं, तो कभी भी स्टेनलेस स्टील कहीं पर भी जाएगा जो उसका कलर होता है शीट स्टील कलर। मगर अगर आप कोई और कलर लगाते हैं तो कई बार वो आपके इंटीरियर से भी मैच नहीं करेगा। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, डू सब्सक्राइब, और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ देखिए समझे फिर खरीदें।